दिस इज़ कविता गुप्ता, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस सीरीज़ में कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, देखने के टाइप्स क्या होते हैं आज मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमें या तो वॉच, लुक, सी, ये सब चीज़ें पता होती हैं। इनके अलावा हमें यदि पता भी होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपका ये जो आपका जो डाउट है, आज मैं इसको क्लियर करूँगी इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए और सीखिए कहाँ पर सही प्रॉपर यूज़ कहाँ कहाँ पर देखने का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ वॉच में फर्स्ट है आज हमारा सी। सी मीन्स होता है फ्रेंड देखना। सी, SSEE, सी मीन्स होता है फ्रेंड देखना। वो कैसे देखना होता है? जैसे कि भगवान ने हमें आइज दिए हैं, हम देख रहे हैं, बस हम सब कुछ देख रहे हैं इस दुनिया में। हम किसी चीज़ को पर्टिकुलर नहीं देख रहे हैं, बस हमें दिख रहा है। जैसे कि मुझे दिख रहा है, मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं देख रही हूँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर ये है, यहाँ ये रखा हुआ है, यहाँ ये रखा हुआ है। बस सिर्फ मुझे भगवान ने आँखें दी और मैं उस चीज़ को देख रही हूँ, मतलब मैं सब चीज़ों को साथ में देख रही हूँ। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम सी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स भी होता है फ्रेंड देखना, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है? ये होता है फ्रेंड किसी चीज़ को ध्यान से देखना। देखिए, हम किसको किसी चीज़ को कैसे ध्यान से देखते हैं? जैसे हमारा मोबाइल होता है, टीवी होता है, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चीज़ें जो होती हैं, जो हमारी टीवी है, आपका मोबाइल है, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, ये वहाँ ज़्यादा यूज़ होता है देखना। क्योंकि हम उन चीज़ों को क्या करते हैं? ध्यान से देखते हैं। कोई हम मूवी देख रहे हैं तो बहुत अटेंटिवली ध्यान से देखेंगे, या फिर हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ चीज़ देख रहे हैं तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा वॉच, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। कोई चीज़ या कोई मतलब कोई भी थिंग भी हो सकती है, कोई पर्सन को यदि आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होता है वॉच, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। तो वॉच मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, लुक। देखिए फ्रेंड्स, लुक मिस भी देखना ही होता है। अब आप सब भी बोलेंगे कि लुक मिस भी देखना होता है, सी मिस भी देखना होता है, वॉच मिस भी देखना होता है, लेकिन अभी तक आपको ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि वॉच का सही यूज़ क्या है, सी का सही यूज़ क्या है, या लुक का सही यूज़ क्या है। तो आज मैंने आपको यहाँ पर सी और वॉच का तो डिफ्रेंसेस बता दिया है क्या है। अब देखिए, मैं लुक का आपको डिफरेंस बताती हूँ। लुक का मीनिंग क्या होता है? देखना तो होता है, लेकिन कैसे देखना होता है, इसका मतलब होता है नज़र रखना किसी चीज़ पर, या फिर ध्यान से देखना। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहीं और देख रहे हैं, यदि आपने देखा होगा क्लास में क्या होता है, यदि क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो मैम क्या बोलती हैं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो, बच्चे इधर उधर देख रहे हैं। लेकिन यदि हमें किसी का अटेंशन अपनी ओर, मतलब क्या करना हो, उसका जो अटेंशन है अपनी और उसको मतलब लाना हो, तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसका? हम यूज़ करेंगे लुक के साथ। तो कैसे बोलेंगे? मुझे देखो यार, लुक एट मी, ओ यार इस पेंटिंग को देख, लुक एट दैट पेंटिंग, लुक एट दिस पेंटिंग, यार ब्लैक बोर्ड को देखो, लुक एट द बोर्ड, प्लीज़ यार मेरी ड्रेस देखो, लुक एट माई ड्रेस। तो हम किसी बंदे का अटेंशन अपनी और क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी और, उसको बोल रहे हैं कि उस चीज़ को देखो। तो पर्टिकुलर उस चीज़ को देखने के लिए हम बोल रहे हैं, प्लीज़ लुक एट मी, लुक एट इनटू माय आईज, लुक इनटू माय आईज, मेरी आंखों में देखो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वही चीज़ बिल्कुल पर्टिकुलर हम किसी को दिखाने के लिए उसका जो अटेंटिव है, उसका जो ध्यान है, वो अपनी और क्या कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा घूरना। घूरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर एट, STARE, स्टेयर, ATT, स्टेयर एट। स्टेयर एट मीन्स होता है फ्रेंड्स घूरना, किसी को कंटिन्यूसली हम देखे ही जा रहे हैं, घूरे ही जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घूरते हैं बहुत जने ऐसे करके, तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा घूरना। तो इसको घूरने को हम बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, स्टेयर एट, STARE, स्टेयर, ATT, स्टेयर एट मीन्स होता है हमारा फ्रेंड्स घूरना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गुस्से से देखना। यदि हमें किसी को गुस्से से देखना हो, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पेरेंट्स यदि हम कुछ गलती कर देते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि यदि स्कूल में आपने देखा होगा मैम वगैरह जो होती हैं, मैम ने यदि आपने अच्छे से होमवर्क नहीं किया है, या आप कुछ अच्छे से वर्क नहीं करके लाए हैं, तो मैम किस तरह से गुस्से में देखती हैं ऐसे करके, इस तरह से जब हम किसी को गुस्से में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ग्लेयर एट। यदि हमें कोई गुस्से में देख रहा हो, या हम किसी को गुस्से में देख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ग्लेयर एट, ग्लेयर एट, गुस्से से देखना। आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो, वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी, वाई आर यू ग्लेयरिंग एट मी, वह मुझे गुस्से से देख रहा है, ही इज़ ग्लेयरिंग एट मी। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, टकटकी लगाकर देखना। टकटकी लगाकर देखना क्या होता है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम गेज एट, गेज एट।
तो देखिए गेज ऐप को हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि टकटकी लगाकर देखना, इन द सेंस यदि कोई चीज़ या कोई इंसान हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और हम उसे कंटिन्यूसली देखे ही जा रहे हैं, हमारी वहाँ से निगाह ही नहीं हट रही है कि कोई बहुत सुंदर, मैंने जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने बहुत सुंदर पेंटिंग देख ली और मैं बस यही एकदम बिल्कुल उसमें ही खो गई, एकदम से वाओ इस तरह से मैं उसे देखे ही जा रही हूँ, निहारे ही जा रही हूँ, तो उसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गेज एट, मींस टकटकी लगाकर देखना, एक पलक भी ना झपकना, बस उसको देखते ही रहना, निहारते ही रहना, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स हम गेज एट। तो व्हाई आर यू गेजिंग एट दैट पेंटिंग, आप उस पेंटिंग को टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हो। सो फ्रेंड इस तरह से आप ये देखने के जो टाइप्स हैं इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनका रियल मीनिंग ये होता है। अब आपको ये अच्छे से शायद क्लियर हो चुका होगा, यदि आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और बता देती हूँ, देखिए सी मीन्स देखना, सिंपल देखना, जो कि हमें भगवान ने आँख दी है बस हम देख ही रहे हैं। सो आई एम सीइंग, मैं देख रही हूँ। ध्यान से देखना, यदि हम कुछ चीज़ देख रहे हैं ध्यान से, जैसे कि आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग माई मोबाइल, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, उस चीज़ को मैं ध्यान से देख रही हूँ। नेक्स्ट देखिए नज़र रखना, ध्यान देना, यदि हमसे कोई कह रहा है प्लीज़ मुझे देखो, बोर्ड को देखो, मेरा फेस देखो, मेरे बाल देखो, मेरी ड्रेस देखो, लुक एट माई हेयर, लुक एट माई ड्रेस, लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, मुझे देखो, तो तब हम यूज़ करेंगे लुक का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स घूरना, घूरने को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेयर एट। Why are you staring at me? आप मुझे क्यों घूर रहे हो? वह मुझे घूर रहा है, He is staring at me. तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? मैं तुम्हें नहीं घूर रही हूँ, I am not staring at you. So इस तरह से हो गया आपका। Next देखिए गुस्से से देखना, गुस्से से देखना, मैंने अभी आपको बताया था glare at. आप मुझे गुस्से से क्यों देख रहे हो? Why are you glaring at me? वह मुझे गुस्से से देख रही है, She is glaring at me. मैम मुझे गुस्से से देख रही है, मैम इज़ glaring at me. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स टकटकी लगाकर देखना, जब भी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगे और कंटिन्यूसली हम देखे ही जा रहे हैं पलक बिना झपकाए, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स गेज एट। तो हम क्या कर रहे हैं, गेज एट कर रहे हैं। सो आई एम गेजिंग एट दिस पेंटिंग, आई एम गेजिंग एट दिस पेंटिंग, मैं इस पेंटिंग को टकटकी लगाकर देख रही हूँ, वह मुझे टकटकी लगाकर देख रहा है, ही इज़ गेजिंग एट मी, ही इज़ गेजिंग एट मी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये थे हमारे टाइप्स ऑफ वॉच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको ये कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, और लेकिन हमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है देखने को हम वॉच सी या लुक कहते हैं, आप इनको यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन आपको इनका रियल मतलब नहीं पता होता, उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, इनमें मिस्टेक कर देते हैं। सो ये था, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया सारे वर्ड्स को, बहुत अच्छे से डाला है, एक एक वर्ड मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि इन सभी वर्ड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स अब आप इन सारे जो मैंने ये टाइप्स ऑफ वॉच बताए हैं इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए और इन्हें अपनी डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक फ्रेंड्स यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि जो आपको मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके, इसलिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिसेमिनेट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके। सो फ्रेंड्स वी विल सी नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।